नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष पथ और मैं हूं आपके साथ भास्कर राव। आइए बात करते हैं 4 अगस्त सन 2022 दिन गुरुवार के राशिफल की। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष की। मेष राशि के जातकों, आज आप खेल कूद में हिस्सा ले सकते हैं जो आपको तंदुरुस्त बनाए रखेगा। नए करार फायदेमंद दिख रहे हैं लेकिन वे उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं पहुंचाएंगे। अब बारी आती है राशि चक्र की दूसरी राशि वृष राशि की। वृष राशि के जातकों, अवांछित विचार दिमाग में छा सकते हैं। खुद को शारीरिक व्यायाम का मजा लेने दें क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आपके द्वारा धन को बचाने के प्रयास आज असफल हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। अब बारी आती है राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन की। मिथुन राशि के जातकों, तली भुली भुनी हुई चीज़ें खाने से किनारा करें। दोस्तों की मदद से वित्तीय कठिनाइयां हल हो जाएंगी। बच्चे आपके दिन को बहुत मुश्किल बना सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर अपने भोजन पर ध्यान रखें। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों, आपके शरीर की थकान मिटाने और ऊर्जा का स्तर बढ़ाने के लिए आपको पूरे दिन आराम की जरूरत है। नहीं तो वो शरीर की थकावट आपके मन में निराशावादी विचारों को जन्म दे सकती है, इसलिए कर्क राशि के जातक आज आराम करें। सिंह राशि के जातकों, आपके लिए भी वही है कि आप भी तली भुनी चीज़ों से दूर रहें। बाहर निकले तो बहुत सी सकारात्मकता मिलेंगी। कोई कीमती वस्तु आपकी चोरी हो सकती है जिसके कारण आपका मूड खराब हो सकता है, इसलिए तली भुनी चीज़ों से दूर रहें, घर से बाहर निकले, मूड फ्रेश करें। बारी आती है कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातकों, भरे पूरे और संतुष्ट जीवन के लिए आपकी मानसिक दृढ़ता में वृद्धि कीजिए। आज आप काफ़ी पैसे बना सकते हैं लेकिन इसे अपने हाथों से फिसलने ना दें। कन्या राशि के जातकों, आज अपने कार्य पर विशेष ध्यान दें ताकि अच्छे से धनार्जन का कार्य आपके द्वारा संभव हो सके। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों, आप मानसिक और शारीरिक तौर पर अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं। थोड़ा सा आराम और पौष्टिक आहार आपके ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में अहम साबित होगा, इसलिए आज संतुलित और पौष्टिक आहार लीजिए। बात करते हैं राशि चक्र की आठवीं राशि वृश्चिक की। अगर आपकी योजना बाहर घूमने फिरने की है तो बाहर वक्त गुजारने से वह सुकून भरा होगा। और जो लोग टैक्स बचा रहे हैं अकारण, आज भी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं, इसलिए समय पर टैक्स जमा करें। बात करते हैं अब धनुराशि की। धनुराशि के जातकों, आपकी शाम कई जज्बाजों से घिरी होगी, इसलिए तनाव भी दे सकती है, लेकिन ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खुशी के बाद गम और गम के बाद फिर से खुशियों से आपकी मुलाकात होगी जो आपको ज़्यादा आनंद देगी। बात करते हैं राशि चक्र की दसवीं राशि मकर की। मकर राशि के जातकों, सोचने के पहले दो बार सोचें, अनजाने ही आपका नज़रिया किसी की भावनाओं को आहत कर सकता है। आज आपको किसी अज्ञात स्रोत से पैसा प्राप्त हो सकता है, इसलिए सोच विचार कर किसी भी चीज़ के लिए निर्णय लें। बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ की। कुंभ राशि के जातकों, मानसिक स्पष्टता के लिए भ्रम और निराशा से बचने की कोशिश करें। खर्चों में इजाफा होगा लेकिन साथ ही साथ आमदनी में भी बढ़ोतरी इसे संतुलित कर देगी, इसलिए आज बढ़िया कमाएं, अच्छे से खर्च करें। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों, आज आप खेलकूद में हिस्सा ले सकते हैं जो आपको तंदुरुस्त बनाए रखेगा। नए करार फायदेमंद दिख सकते हैं लेकिन वे उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं पहुंचाएंगे। तो ये था आज का सभी राशियों का हाल। कल फिर मिलेंगे ज्योतिष पथ तक। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।